अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मरतबा फिर उसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे हमने पहले वीडियो बनाई थी, और वहाँ हमें पता चला था कि कोई डोलियाँ वाला जो है ना नक्का है, जहाँ पर कोई बारात और डोली जो है वो सियाल पत्थर हो गई थी। तो हमें क्रेज़ था कि हम जाके देखें, उसकी हकीकत मालूम करें। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं चंद दोस्तों के साथ इस इलाके से, ये जो खूबसूरत इलाका आप देख रहे हैं, इससे गुजर कर, ये वही जगह है, हम थोड़ा सा वो आगे जगह है, वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ जाकर हमें पता चला कि वहाँ पर जो ज़ाहिर है पुराने दौर में हिंदू दरबार थे, तो वो मुख्तलिफ पत्थरों को तराश कर इस तरह की शेप देते थे कि बारात और डोली, इस तरह का वो सेटअप बनाते थे। तो लोगों ने ये कोई सिलसिला शुरू कर दिया जी, कोई बारात सियाल पत्थर हो गई है। हालांकि ये हकीकत के बरक्स है, वो हिंदू दौर में या पुराने दौर में जो कारीगर माहिर होते थे वो इस तरह पत्थरों को जो है तराशते थे और इंसानों की शक्ल देते थे, बारात और डोली की शक्ल देते थे। तो दूर से ऐसे ही पता चलता था कि दो डोली और बारात जा रही है। तो लोगों ने आगे ये बना लिया कि जी पता नहीं कोई जो है ना बारात सियाल पत्थर हो गई है या क्या। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर हमें ये देखने को मिली है कि इलाका बहुत खूबसूरत है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, बड़े खूबसूरत लुक है इलाके की, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर सियाहत के हवाले से अगर मामलात किए जाएँ तो सियाह यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको उधर भी चल कर हम बताएँगे, तो वीडियो में आपने साथ रहना है। ये देख सकते हैं खूबसूरत घास आपको नज़र आ रहा है, और इसकी वजह से जो खूबसूरती है यहाँ के इलाके की, उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। हम जब पहले आए थे तो उस वक्त ये घास नहीं था बल्कि ऐसे ही वीरान सा इलाका था, लेकिन उस वक्त भी इसकी लुक बड़ी प्यारी थी, खूबसूरती। लेकिन ये घास हरियाली की वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है, पुरसकून जगह है, हवा हल्की हल्की हवा चल रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये था व्लॉग जो कि हमने खूबसूरत इलाके के हवाले से आपको दिखाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो में मुझे दें इजाज़त। मैं हूं इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AMWW TV। थैंक यू।